अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि सोलर पैनल की हकीकत क्या है। बहुत से दोस्त जो यूट्यूब के ऊपर आपको बता रहे हैं कि 40,000 में सिस्टम लगाएं और पूरे घर को फ्री बिजली दें, ऐसा भी आपको बता रहे हैं कि जी ग्रीन मीटर लगवाएं और नेट मीटरिंग करें और लाइट जो है वापडा को सेल करें और उससे अर्निंग करें और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या हकीकत है, क्या है असल में वापडा आपसे कितने में लाइट खरीदती है और आपको कितने में बेचती है, ठीक है, और आपको कितने बिल आते हैं आपको नेट मीटरिंग करवाने का, या लाखों रुपये खर्च करने का कुछ फ़ायदा भी होने वाला है कि नहीं होने वाला, या अगर सिर्फ कंपनीज को फ़ायदा हो रहा है जैसे कि सोलर पैनल कंपनी है उनको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं एंड तक तो आपको इंशाल्लाह फैसला करने में आसानी हो जाएगी कि आपको नेट मीटरिंग वाला सिस्टम लगवाना चाहिए, सादा सिस्टम लगवाना चाहिए, या कि आपको कोई सिस्टम सोलर वाला नहीं लगवाना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर फैसला करने में कोई मुश्किल नहीं रह जाएगी। तो इंशाल्लाह आप हमारी वीडियो एंड तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चले चलते हैं हम अपनी वीडियो की। जी तो फ्रेंड, मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर आजाद फॉर वन। फ्रेंड, आज की वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया कि हम एक्सपोज करने वाले हैं कि सोलर पैनल हमें लगवाने चाहिए कि नहीं लगवाने चाहिए। तो सोलर पैनल के ऊपर फ्रेंड अगर आप देखें तो हम इतने महंगे सोलर पैनल खरीद के उनको छतों के ऊपर लगवाते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम नेट मीटरिंग भी करवा लेते हैं। जब हम उनकी नेट मीटरिंग भी करवा लेते हैं तो फ्रेंड हम सारा, अगर आप पूरे महीने का अगर आप उसका निकालें बायोडाटा कि हम वापडा को कितनी लाइट सेल कर रहे हैं और उसके ऊपर हम कितनी लाइट जो है ना वो बना रहे हैं। तो मैंने 5 kVA का सिस्टम लगाया हुआ है। तो फ्रेंड उसके अंदर मैं अगर आपको बताऊँ कि पूरे महीने में मैंने कितना जो है ना वो यूनिट बनाए थे वापडा के लिए, यानी कि जो मैंने वापडा को यूनिट बेचे वो कितने थे, तो वो थे मेरे 44। मैंने 44 यूनिट पूरे महीने में 5 kVA के सिस्टम के साथ बनाए। चले अगर मेरा सिस्टम नहीं अच्छा होगा, चले कुछ थोड़ा बहुत उसके अंदर कोई मसला मसाइल होगा, तो आप फिर भी अगर उसके ऊपर हिसाब लगा ले तो आप 50 यूनिट जो है ना वो बना लेंगे, ठीक है, जो वापडा को आप बेच देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप मेरे सिस्टम के ऊपर देखें तो मैंने जो टोटल यूनिट जो बना यानी कि किए हैं वो 98 यूनिट थे जो कि मेरे वापडा के ऊपर बने, जो हमने जो है ना इस्तेमाल किए टोटल 98 यूनिट, जिसमें से 44 यूनिट हमने उनको वापस किए, ठीक है। और जो 44 यूनिट हमने उनको वापस किए तो फ्रेंड जो वापडा है वो उसके ख़रीदने के रूल और हैं और बेचने के रूल और हैं। जब वो वापडा हमें लाइट बेचती है तो वो हमसे जब वापडा हमें बेचती है तो हमें ज़्यादा पैसों में बेचती है, जब हमसे खरीदती है तो कम पैसों में खरीदती है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ वीडियो में कि वो हमसे कितने रुपए में खरीदती है और हमें कितने रुपए में बेचती है। तो हमने ये 5 kVA का सिस्टम लगवाया था फ्रेंड। मैंने 540 वाट की 4 प्लेटें लगाई और 250 वाट की मैंने 12 प्लेटें लगाई और इनवरिक्स का 5 kVA का सिस्टम लगवाया, ठीक है, और उसके साथ मैंने 4 बैटरियाँ लगवाई। तो मेरा तकरीबन मेरा 10-12 लाख रुपये खर्चा हो चुका है, जिसके ऊपर अभी तक मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, मुझे बिल नहीं आ रहा या मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। मुझे बिल आप जैसे बिल आ रहे हैं, ठीक है, और मैं हर महीने बिल पे कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ महीने जब सर्दियों के थे तब मैंने बिल नहीं पे किए, तो अभी जो जैसे गर्मी स्टार्ट हुई है, जैसा कि अब ये आप मौसम देख रहे हैं कि इस मौसम में यानी कि जून का महीना चल रहा है, तो अभी पंखे वगैरह चलना स्टार्ट हो गए हैं मई से, यानी कि स्टार्ट हो गए, तो अभी मुझे बिल आना शुरू हो गया, ठीक है, मुझे बिल अभी आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। जैसा कि मेरा इस महीने का बिल भी जो है ना वो 3327 रुपये मेरा बिल आया हुआ है। अभी मैं कोई AC नहीं चला रहा, मेरे घर में सिर्फ पंखे चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं, मोटर चल रही है पानी वाली, इसके अलावा मेरे कोई भी यानी कि एक्स्ट्रा खर्चे नहीं है, ठीक है ना, AC है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। लगे ज़रूर हुए हैं पर लेकिन अभी तक हमने जो है उनको चलाया नहीं, ऐसे ही हम गुजारा कर रहे हैं कि चलो लाइट बहुत महंगी है, ठीक है। और जो क्या नाम है वापडा जो हमें रेट लगा रही है, अगर आप वो देखें तो हमें उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, ठीक है ना, सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड अगर मैं अगर क्या नाम है अगर आप ये सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि इतने ज़्यादा पैसे लगाने के बाद आप इससे कुछ नहीं बचा सकते, इससे कुछ अर्निंग नहीं होने वाली, कुछ भी नहीं होने वाला, जस्ट और जस्ट सिर्फ झूठ और झूठ है, सिर्फ अपनी कंपनियाँ चीज़ें बेचने के लिए हम जैसे दोस्तों से क्या नाम है अपनी वो उसकी वो करवा रहे हैं, मार्केटिंग करवा रहे हैं और मशहूरी करवा रहे हैं, ठीक है, और उनकी वो प्रोडक्टें बिक रही है, जैसे सोलर पैनल उनका बिक रहा है, उनके जो है ये बिक रहे हैं, क्या नाम है इन्वर्टर बिक रहे हैं, ठीक है, उनकी बैटरियां बिक रही हैं, उनको इसके ऊपर फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अगर आपने करना है तो अगर आप बहुत ज़्यादा सिस्टम करना चाहते हैं तो फ्रेंड आप जस्ट और जस्ट सिर्फ क्या नाम है ऊपर से वाट क्या नाम है सोलर से 12 वाट लें
और उसको नीचे क्या नाम है 12 वाट के पंखे लाइटें वगैरह लगा के उसके साथ जब लाइट जाए तब उसको उसके साथ एडजस्ट कर लें, वो आपको फायदे में रहेगा। अगर आप इन्वर्टर के ऊपर जाते हैं, इन्वर्टर सिस्टम लगवाते हैं, ग्रीन ग्रीन मीटर जैसा कि नेट मीटरिंग करवाते हैं, तो फ्रेंड इसके ऊपर आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं इसको आपको सबूत के साथ बताऊंगा, और मैं आपको इंशाल्लाह आपको स्क्रीन के ऊपर वीडियो भी चलती हुई नज़र आ रही होगी कि जिसके अंदर मैंने आपको अपना सिस्टम दिखा रहा हूँ कि ये मेरा सिस्टम लगा हुआ है, ये हमने 5 kVA का सिस्टम इतना महंगा लगवाया और उसके बाद जो हमें रिजल्ट है वो आप देखें कि ये हमें जो बिल आया, ठीक है फ्रेंड, इसके अंदर मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ और बाद में मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखाऊँगा। तो आप अगर इस बिल की देखें तो फ्रेंड हमने 44 यूनिट जो है पूरे महीने में बनाए थे, ठीक है, और 98 यूनिट जो हमारे जो है ना वो चले थे, ठीक है। 44 यूनिट जो हमने वापडा को दिए फ्रेंड, उन्होंने हमसे 19 रुपये 32 पैसे में हमसे यूनिट ख़रीदा, ठीक है, और जब हमने उनको सेल किया, जब उन्होंने हमें सेल किया यूनिट, जब हमने उनसे ख़रीदा पीक टाइम जिसे बोलते हैं, तो इन्होंने हमें 34 रुपये तकरीबन 35 रुपये का यूनिट हमें लगा के वापस किया। तो वो टोटल जो है हमें उन्होंने टोटल हमें जो बिल भेजा वो क्या नाम है वो भेजा 3327 रुपये, ठीक है। उसमें हमारे जो उन्होंने जो 44 यूनिट थे उसका 850 रुपया बना, वो 850 रुपया उन्होंने क्या किया, वो 850 806 रुपये टैक्स हमारे ऊपर डाल दिए, जो 806 रुपये टैक्स हमें डाले, और वो जब हमने उसमें से माइनस किए तो हमें बिल वही पड़ा क्या नाम है 33 रुपये के हिसाब से बिल पड़ा, 3327 रुपये हमें बिल आया। 54 यूनिट मेरे, यानी कि यहाँ पर लिखा आ रहा है कि 54 यूनिट आपने जो है ना इस्तेमाल किए थे। अगर आप देखें नीचे भी ऐसे ही नज़र आ रहा है कि जी नेट मीटरिंग के ऊपर एक्सपोर्ट अनपोर्ट ये सारा कुछ नज़र आ रहा है कि हमने कितने रुपए में, तो फ्रेंड पूरे महीने में जो हमने इंपोर्ट किए यानी कि जो इंपोर्ट बिल सॉरी जो इंपोर्ट थे वो 98 थे और एक्सपोर्ट थे वो 44 थे, उसमें से माइनस किया तो हमारे 54 यूनिट बच गए। 54 यूनिटों का हमें जो बिल आया वो था 3327 रुपये। तो आप खुद हिसाब लगा लें फ्रेंड कि आपको नेट मीटरिंग करवानी चाहिए, आपको सोलर पैनल लगवाने चाहिए, आपको कौन सा सिस्टम लगवाना चाहिए। मैं जो रेकमेंड कर रहा हूँ आपको, जस्ट आप ऊपर प्लेटें लगाएं, 3-4 प्लेटें लगाएं, उसके साथ अगर आप कोई बैटरी लगा लें छोटी मोटी वेल एंड गुड, और उसको दिन दिन में इस्तेमाल करें बस, और इससे लंबे चौड़े चक्कर में ना पड़े। मैं ये नहीं कहता कि सोलर पैनल से कुछ नहीं बनता, सोलर पैनल से बनते हैं, पर लेकिन ये नहीं है कि आप समझे कि उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है फ्रेंड। ये सिस्टम किन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो वो उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो लगवाती हैं, ठीक है, उनको क्या नाम है रात को वो बंद हो जाती हैं, दिन दिन में चलती हैं, ठीक है, उनको उसके ऊपर ज़्यादा फ़ायदा। और हम जैसे दोस्तों को इसके ऊपर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, जैसे कि हमने घर के अंदर यूज़ करनी है, 2400 घंटे हमने बिजली चलानी है, और जो है हमें उसके ऊपर कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, आप हमारी वीडियो के ऊपर कमेंट्स करें और हम और दोस्तों को हमारी वीडियो शेयर करें ताकि दोस्तों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। हो सकता है कि ये मेरी वीडियो यूट्यूब के ऊपर से डिलीट कर दी जाए, क्योंकि कंपनियाँ जो ये कंपनियाँ काम कर रही हैं वो बड़े बड़े यानी कि उनके हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़ी बड़ी जगह के ऊपर उनके हाथ पड़ते हैं, तो हो सकता है वो हमारी वीडियो को यहाँ से डिलीट कर दे। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दोस्तों की रहनुमाई हो सके। नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।